हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लक्ष्मी किचन। आज मैं बनाऊंगी बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजेस लिए हैं, उनको रफली मैंने कट कर लिया है। फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पर ऑनियन लिया है, टमाटो लिया है, कैप्सिकम लिया है, गार्लिक लिया है और ग्रीन चिली ली है और बारीक कटा हुआ धनिया। आप इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज, कैरेट और भी आपको जो पसंद हो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन गरम किया है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर इसको अच्छे से गरम कर लिया है। ऑयल गरम होने के बाद इसमें 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे, 1 छोटी चम्मच इसमें जीरा ऐड कर देंगे और इसमें कट किया हुआ गार्लिक ऐड कर देंगे, रफली कट। यहाँ पर ऑनियन भी साथ ही साथ ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हमें 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है, हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन प्याज को नहीं करना है। 2 मिनट बाद हम इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे और वापस से इसको एक बार मिला लेंगे। इस प्रोसेस को हमें हाई फ्लेम पर करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सच में गाइस, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 स्पून के करीबन इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल में जाते ही उछल कूद मचाने लग जाता है, इसलिए मैं इसको ऑनियन के साथ ऐड कर रही हूँ। अब इसमें कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे करेंगे। इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस के हाई फ्लेम में बनाने से इसमें एक स्मोकिंग फ्लेवर आता है। अब इसमें सॉस ऐड करेंगे, तो मैंने चिंग्स ये रेड चिली सॉस ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। और 1 चम्मच इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं और इसमें कम या ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें हम राइस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बाउल भरकर यहाँ पर बॉइल्ड राइस लिए हैं, ये सुबह के रखे हुए थे, तो इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं, चावल को आप पहले बनाकर रख दीजिए, उसके बाद ही ये बनाइए। अब इसमें 1 छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे और ऊपर से इसके धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। ओनली 3 मिनट्स में हमारी फ्राइड राइस बन के तैयार है। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए घी या फिर बटर आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। गर्मा गर्म हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार हैं, आप इनको एंजॉय करें किसी भी सॉस के साथ। साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।